गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू जी आर एस टेक्निकल टूडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट लेटर टू डी एडिटर तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि लेटर टू डी एडिटर किस तरीके से लिखते हैं हिंदी में ही आप लोगों को बताऊंगी ताकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए कि आप किस तरीके से लिखेंगे लेटर टू डी एडिटर एग्जामिनेशन में अगर आता है तो तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट स्टार्ट दी वीडियो तो स्टूडेंट्स लेटर टू डी एडिटर जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो एट टू टेन मार्क्स में आता ही आता है हर ईयर ठीक है चाहे आप टेंथ बोर्ड में हो या फिर ट्वेल्थ बोर्ड में हो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आता ही आता है सो so फर्स्ट मैं आप लोगों को इसका फॉर्मेट बता दूंगी उसके बाद फिर बताऊंगी कि लेटर टू डी एडिटर एग्जाम्पल के साथ लिखते कैसे हैं राइट तो सबसे पहले फॉर्मेट इसका समझ लेते हैं फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे फॉर्मेट सेम रहेगा जिस तरीके से आप बिजनेस लेटर लिखते हो ठीक है फॉर्मेट कैसा रहेगा जिस तरीके से आप बिजनेस लेटर लिखते हो उसी तरीके से आपको लिखना है लेटर टू डी एडिटर क्लियर है इनसाइड अब, अब अंदर में हम क्या लिखेंगे अब अंदर में हम लेटर लिख रहे हैं लेटर टू डी एडिटर को तो हम लेटर टू डी ऑफकोर्स एडिटर ही लिखेंगे ठीक है अब हमारा न्यूज पेपर का नाम हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है कुछ भी हो सकता है सिटी हमारा कुछ भी हो सकता है न्यू डेली हो सकता है फिर आसनसोल हो सकता है रांची हो सकता है पटना हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन में सर और मैडम लगाना कंपलसरी है कम्प्लीमेंटरी क्लोजेज हम कैसे करेंगे योर्स फेथफुली राइट सो स्टार्ट दिख करते हैं कि कैसे लिखते हैं लेटर टू दी एडिटर एग्जाम्पल के साथ तो यहाँ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए राइट यू आर सरुन सरुना राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हेराल्ड न्यू डेली एक्सप्रेसिंग योर एंग्विश ओवर द प्रोब्लम्स फेस बाय पीपल ड्यू टू इलेक्ट लिक्वर एंड डेडली केमिकल्स लाइक एंथेक्स राइट आप सरुन हो अगर आप बॉय हो तो अगर आप गर्ल हैं तो आपका नाम सरुना है ठीक है आपको लेटर लिखना है एडिटर साहब को ठीक है लेटर टू डी एडिटर लिखना है ठीक है ऑफ हेराल्ड न्यू डेली ठीक है क्वेश्चन समझ में आया अपना प्रॉब्लम एक्सप्रेस करना है कि प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं पीपल फेस कर रहे हैं शराब के कारण और ड्रग्स के कारण तो उसके कारण आपको लिखना है लेटर टू डी एडिटर को एक लेटर ठीक है नाम आपका अगर बॉय है तो सरुन है गर्ल है तो आपका नाम सरुना है समझ में आ गया क्वेश्चन तो सबसे पहले लेटर दूडी एडिटर में हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल ये जो एड्रेस है अपना हम वो लिखेंगे पहले ठीक है पहले आपका एड्रेस होना चाहिए यानी सेंडर जो है उसका एड्रेस होना चाहिए ये समझिए सेंडर्स एड्रेस शुड बी मेंशन ऑन दी फर्स्ट ठीक है तो यहां पे जो मेरा एड्रेस है वो होगा एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली ठीक है उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लाइन लीव कर देंगे अ लाइन लीव करना है हमको वन लाइन लीव करना है हमें उसके बाद हमें यहाँ पे डेट लिखना है जिस तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हो जिस तारीख का आपका एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है आप आंसर में लिखोगे उसी तारीख का डेट राइट थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा स्टूडेंट इस तारीख का आपको डेट लगाना है एंड डेट में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि डेट कभी भी सेकेंड ऑफ दिसंबर जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखना है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं टू ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी बस ये इनका डेट हो गया तो ये रॉन्ग मेथड है आपको ये समझना पड़ेगा आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हो बोर्ड एग्जामिनेशन लाइफ में केवल एक बार आता है आपका सब चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ओके okay? तो डेट बिल्कुल हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे सेकेंड दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी राइट जिस तारीख को जो भी आप लिख रहे हो जो भी डेट है जो भी ईयर है ठीक है उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे एक लाइन लीव करना है अ लाइन लीव राइट एंड आफ्टर डैट वॉट वी हैव टू डू यहाँ पे हमको लिखना है दी एडिटर एडिटर साहब को हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे दी एडिटर दी हेराल्ड न्यू डेली और उसका पिन कोड ठीक है ये हमारा एडिटर का हो गया रिसीवर्स का ठीक है उसके बाद फिर हम यहां पे एक लाइन लीव करेंगे अलाइन लीव ठीक है उसके बाद हम यहां पे सब्जेक्ट डालेंगे जो भी हमारा सब्जेक्ट है यहां पे हमारा सब्जेक्ट है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो टेरर कॉज बाय इलेक्ट लिक्वर एंड आन, एनथेक्स ठीक है यहाँ पे हमें कहानियां नहीं लिखनी है बाइबल गीता कुरान नहीं लिखना है टू द पॉइंट होना चाहिए और बिल्कुल सटीक तरीके से होना चाहिए ठीक है तो मैंने टू द पॉइंट में सब्जेक्ट में बिल्कुल लिखा है टेरर कॉज बाय इलेक्ट लिक्वर एंड एंथेक्स क्लियर है उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लाइन लीव कर देंगे एक लाइन लीव कर देंगे वन लाइन लीव उसके बाद फिर हम लिखेंगे सर सर लिख देंगे उसके बाद फिर लिखेंगे यहां से हमारा मेन बॉडी स्टार्ट हो जाता है बॉडी यहां से हमारा स्टार्ट होता है तो बॉडी में मैंने क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा ठीक है द रीसेंट डेथ ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट लिक्वर फियर जनरेटेड इन माइंड ऑफ पीपल ऑन अकाउंट ऑफ इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न वी ऑफन फिर हम पे एक लाइन लीव करेंगे उसके बाद फिर वी ऑफन हेयर ऑन रीड अबाउट पीपल डैंक ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट लिक्वर बट नेवर कम टू नो अबाउट द फॉलो अप एक्शन और पनिशमेंट गिवन टू गिल्टी What a tragedy! Families get rained children orphaned, but but illegal trade continues unabated. Why is our government so apathetic towards this social cause, or maybe keeps the eyes closed deliberately? Deliberately keeps the eyes closed deliberately because custodians of law have their plums ग्रीस to दिस मींस ओनली द US government has taken strong steps स्टेप्स टू चेक दिस डेडली एक्ट ठीक है इतना मैंने लिखा उसके पैरा नहीं चेंज करना उसके पैर लिखना है हाउ एवर इफ द ग्ड इज प्रोवन ऑन एनी द पर्सन मस्ट बी गिवन एक्सम्बली एक्सम्पलरी पनिश टू एलिमिनेट दिस हेनियस क्राइम कंप्लीटली आई एम श्योर डेट द कंटेंट शेयर हेयर एक्सप्रेस दूस ऑफ मेनी इन द होप सैनिटी में प्रिवेल अमंग पीपल ठीक है तो बॉडी बिल्कुल मेरा क्लियर है बिल्कुल सही तरीके से लिखना है कोई भी अब्यूजिव वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है कोई भी कैजुअल लैंग्वेज आपको यहां पे यूज नहीं करना है आप एडिटर को लिख रहे हो ये बात आपके माइंड में होना चाहिए ठीक है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लाइन लीव कर देंगे वी हैव टू लीव अ लाइन है लाइन लीव ठीक है उसके बाद फिर लिखेंगे योर्स ट्रूली ठीक है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि या तो योर्स ट्रूली होगा या फिर योर्स फेथफुली होगा तो यहाँ पे योर्स ट्रूली लगाना है उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखना है जो आप यहाँ पे बने हों इनकेस आपका नाम वहां पे नहीं दिया हुआ है तो आप अपना ओरिजिनल जो आपका नाम है जैसे कि आपका नाम अरुण हुआ आपका नाम आपका नाम राहुल हुआ आपका नाम प्रियंका हुआ आपका नाम अनुष्का हुआ जो भी आपका नाम है आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा ठीक है तो इस तरीके से प्रॉपर वे में आप लिख सकते हो लेटर टू डी एडिटर तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि मैंने मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी हाउ टू राइट लेटर टू डी एडिटर तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को मैं मिलती हूं आपसे अप अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम नमस्कार